21वीं सदी में भारत के कई ऐसे राज्य या जिले हैं जहां पीने का पानी आज भी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन योजना इन्हीं योजनाओं में से एक है, जिसका मकसद उन इलाकों में पानी पहुंचाना है जहां आज तक कोई पानी की पाइपलाइन नहीं है और जहां हर जगह जमीन के नीचे से पानी निकाल पाना संभव नहीं है। यहां के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला, जहां के लोगों को पानी भरने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। जिनके पास पैसे थे वो खच्चर से पानी मंगवा लेते थे, गरीब लोग तो खुद ही पानी ढोया करते थे। लेकिन अब इनके दिन फिर गए हैं, चेहरे खुश हो गए हैं, क्योंकि इनके घर के सामने भी अब पानी की पाइपलाइन पहुंचने लगी है। न सिर्फ पाइपलाइन पहुंची है बल्कि नल से अब पानी भी आने लगा है। अब चीन सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में भी पानी के लिए मीलों का पैदल सफर नहीं करना पड़ेगा। एक साल पहले शुरू किए गए प्रधानमंत्री की जल जीवन मिशन योजना की शुरुआती सफलता अब दिखाई देने लगी है। शुरुआत के चरण में देश के जो जिले लक्ष्य तक पहुंचने के निकट हैं या पहुंच चुके हैं, उनमें दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाला लाहौल स्पीति भी एक जिला है। यहाँ के लोगों के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी। ठंड के दिनों में बर्फ के जम जाने से ये इलाका देश से कट जाता था। ऐसे में ये लोग बर्फ को ही पिघलाकर पानी पीने का इंतजाम किया करते थे। गर्मियों में तो ये लोग पानी भरने के लिए कई किलोमीटर पैदल चला करते थे। 31,564 जनसंख्या वाले स्पीति ब्लॉक में 13 पंचायतें हैं। इनमें से हर घर में नल कनेक्शन पहुंच गया है और पानी भी अभी नल के द्वारा पहुंचने लगा है। जल शक्ति विभाग की माने तो चीचम और टशीगंग जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर घर में जल पहुंचाना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से विभाग इसे सफल कर पाने में कामयाब रहा। पानी के पाइपलाइन पहुंचने से खुश हुए ग्रामीणों का कहना है कि अब हमें बर्फ पिघलाकर पानी जमा करने की जरूरत नहीं होगी, गर्मी में भी पहले जैसी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। घर में लगे नल ने हमारी सारी समस्याएं दूर कर दी हैं। वहीं अभी भी कई जिलों को सरकार की योजनाओं के पहुंचने का इंतजार है, लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है उन्हें भी ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।